चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। तेल की बढ़ती कीमतों के बीच योग गुरु स्वामी रामदेव से सवाल हुआ तो वो उस पर बुरी तरह झल्ला गए। पत्रकार को हड़काते हुए बोले कि वो चुप हो जाए, वरना आगे प्रश्न पूछने पर उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। दरअसल पतंजलि आयुर्वेद के सर्वेसवा को पत्रकार ने उनका एक पुराना बयान याद दिलाते हुए सवाल दाग दिया था, जिस पर वो अपना आपा खो बैठे। आगे एक पत्रकार की ओर से यह पूछे जाने पर कि आपने तो यह कहा था कि लोगों को कौन सी सरकार चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए इसी बीच, रामदेव ने उसकी बात को काटते हुए बोले, तेरे प्रश्न बहुत हो गए। हालांकि पत्रकार ने याद दिलाते हुए जोर दिया कि आपने ही तो कहा था, बाबा जी कहा था कि नहीं कहा था। रामदेव इस पर तल्ख तेवर के साथ बोले, मैंने कहा था, पूंछ फाड़ेगा मेरी, फालतू की बातें हैं। योग गुरु के इतना कहते ही वहां आसपास बैठे लोग हंसने लगे। आगे पत्रकार ने फिर वही सवाल दागा, जिस पर रामदेव ने कहा, आमदी से ऐसे प्रश्न मत पूछो, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ठेकेदार हूँ, जब कह दिया तो सभ्य बनना सीखो, मैं तब बाइट दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा, चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा सवाल तो ठीक नहीं होगा। बात बोल दी न, इतनी अधिक उद्दंडता नहीं करनी चाहिए, तू किसी सभ्य माँ बाप की औलाद है। रामदेव की हालिया टिप्पणी और पत्रकार पर गुस्से वाला रवैया ऐसे वक्त पर देखने को मिला है जब देश में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। गुरुवार 31 मार्च 2022 को पेट्रोल और डीजल के दाम 80-80 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि बीते 10 दिनों के भीतर यह 9वां इजाफा है, जिसके तहत कुल 6.40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दाम बढ़ गए हैं। सब लोग थोड़ी ज्यादा मेहनत करें और महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हम हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे, तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज्यादा भी है, तो मेहनत ज्यादा करो भाई। मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ, मेरे कुंड सी छोरी छोरे भूखे मर रहे हैं। तो ऐसे लोग कमाई, बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार, बाबा जी अच्छे भी कहा, कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनाई बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी, मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना, बाबा जी आप ही ने कहा था, अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो, बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है, क्योंकि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दू, जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना सीखो। आप ये बताओ एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी, अरे भाई मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर लेगा करेगा, चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना, स्वामी जी बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल फिल्म बनी है काफी, इतना ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए, तू किसी सभ्य माँ बाप की औलाद, जो कहा हम वही पूछ रहे हैं। पंद्रह मिनट में पिकअप आपके सामान से जुड़े सिक्योरिटी टैग और सिर्फ 1 घंटे में ड्रॉप की फैसिलिटी और पाए लाइव ट्रैकिंग सर्विस मैसेजेस, इसलिए अभी डाउनलोड कीजिए वक्त पे ऑन टाइम सर्विसेज 1 सेफ जोन सिक्योरिटी के साथ।